We use two main criteria in the letter. One is the selection, what we need to write, and how we need to present it. ठीक है, कल जो हमने लेटर अपना थोड़ा सा डिस्कस किया था एंड पे, मैंने एस्पायर का आपको रेफरेंस भी दिया था. आपके ओईटी में जितने लेटर्स जो मैं स्टडी करवाता हूँ कैंडिडेट्स को, हम एस्पायर के मुताबिक लेके चलते हैं और वो एक्चुअली इस पोर्शन को कवर करता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, अगर आपने सिलेक्शन ठीक कर लिया या सिलेक्शन कर लिए आपने कि अब मैंने इसमें ये बातें लिखनी है, तो ऑटोमेटिकली जो उनकी तरतीब है वो इस फॉर्मूले के अंदर या एस्पायर के अंदर ऑटो फिट हो जाती है. तो आपको लेटर को ऑर्गेनाइज करने में शायद इतना हैसल ना करना पड़े, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पैराग्राफ्स, उनकी पोजिशनिंग, उसमें क्या लिखना है वो पहले से ही डिसाइडेड है. जो डिसाइड आपने मेन करना होता है वो उसकी सिलेक्शन है. एस्पायर इट्सेल्फ कभी कभी सिलेक्शन में हेल्प करता है या कर सकता है, मगर आई बिलीव कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा. अगर इसमें लिखा जाए लेटर की टाइप, वो तो अब आपको पता लगे कि लिखनी है, मगर वो कहाँ लिखी है, कैसे निकालनी है, ऑब्वियसली वो तो एक अलग सी एक्टिविटी है. मेकिंग सेंस? सो अभी मैं इसको लेके चलूंगा थोड़ा सा सिलेक्शन पे. जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है टेस्ट का, वो मैंने संडे को वैसे शेयर किया था ग्रुप में. अगर आपने इसको खोल के पढ़ा दैट्स फाइन, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तब भी कोई मसला नहीं है. ठीक है, विल टेक इट फ्रॉम हियर. आपकी बुक्स में एक पेज है, उस पर लिखा हुआ है ओईटी लेटर राइटिंग and then there are certain bullets of selection and notes. मैं इसको डिस्कस करूंगा और साथ साथ कल वाले लेटर का रेफरेंस साथ जोड़ूंगा. ठीक है, जो हमने जनरल बेकर का किया था. जब भी आपने किसी लेटर के नोट्स को फाइनल करना होता है, पहली चीज तो ये है कि आमतौर पर आपको जो भी लेटर मिलेगा उसमें जितनी बातें लिखी हैं वो सारी की सारी आपने नहीं लिखनी होती. देर आर सर्टन थिंग्स विच यू लीव एंड देर आर सम पॉइंट्स विच यू राइट. ठीक है, कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें जो ऑलमोस्ट हर लेटर के अंदर लिखी जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी किसी लेटर में ऐड होंगी, किसी में डिलीट हो जाएंगी. वो लेटर की टाइप, लेटर की डिमांड या क्वेश्चन जो हमसे डिमांड करता है उसके मुताबिक डिपेंड करते हैं. सो आप जब भी नोट्स को सिलेक्ट करेंगे, कीप आस्किंग योर सेल्फ दीज क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द रीडर. बेसिकली रीडर कौन है? ठीक है, आमतौर पे आप लिखते हैं लेटर फ्रॉम वन मेडिकल प्रोफेशनल एमपी से दूसरे मेडिकल प्रोफेशनल को. ऐसे ही है. व्हेन वी से मेडिकल प्रोफेशनल, इट मींस लाइक इट कुड बी एनी पर्सन, अ डॉक्टर, अ नर्स, और एनी पर्सन फ्रॉम द एलाइड सर्विसेज. यहाँ तक मेरे साथ है? ठीक है. कल मेरे से किसी ने सवाल पूछा था, आई एम नॉट रिकॉलिंग कि आपकी क्लास में था या किसी और क्लास में, पेशेंट का जो हाइपर टेंशन था, किसी ने पूछा था हम इसकी जगह HTN लिख सकते हैं. हालांकि HTN का वर्ड उन्होंने वहां पे नहीं लिखा होगा. वैसे जनरल रिक्वायरमेंट है कि आप जब लेटर्स को लिखते हैं तो एब्रीविएशंस को कन्वर्ट करें, मगर कभी कभी एब्रीविएशंस गिवन आप उनको भी यूज कर सकते हैं, और कभी कभी आप एब्रीविएट कर भी सकते हैं. ठीक है, कब कर सकते हैं? अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशनल को लेटर लिख रहे हैं जो कि आपकी फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड हो. फर्ज करें अगर आप नर्स हैं और मेडिसिन के हैं और आप फिजियोथेरेपिस्ट या डाइटिशियन को लेटर लिख रहे हैं, तो फिर एब्रीविएशन से अवॉइड करें, बिकॉज समटाइम्स मे बी दैट एब्रीविएशन होल्ड्स अ डिफरेंट मीनिंग इन फिजियोस लैंग्वेज और मे बी इन अ डाइटिशियंस लैंग्वेज. अगर आप एक नर्स टू सेकेंड नर्स को लेटर लिख रहे हैं और दोनों ही मेडिसिन से रिलेटेड हैं, तो फिर आप एब्रीविएशन यूज करें, क्योंकि वहां पर दोनों का मतलब सेम होगा. तो इस चीज को आपने देखना होता है. एक तो ये बात होगी, दूसरा एक्चुअली हु इज द रीडर का मतलब है कि मैं जिसको लेटर लिख रहा हूँ उसकी जॉब कैपेसिटी क्या है, वो पेशेंट के लिए क्या कर सकता है. अगर मैं उस रीडर को कोई ऐसी बात लिख देता हूं कि ये करे मेरे पेशेंट को, जो कि उसकी जेडीज के बाहर है, तो ऑब्वियसली दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलिवेंट टू द रीडर. वो उसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. क्या ख्याल है? मेकिंग सेंस? ठीक है. आप भी जब, मेरा ख्याल है, आप अपने किसी सीनियर डॉक्टर से बात करते हैं, किसी जूनियर डॉक्टर से बात करते हैं, अपनी किसी कोलीग से बात करते हैं, आपके साथ अगर जॉब पे कोई ट्रेनी नर्स है, कोई ट्रेनी डॉक्टर है, तो आप कई बार कम्युनिकेट करते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि इनको क्या बताना और क्या नहीं बताना चाहिए, या कितना बताना चाहिए जो कि इनको समझ आ जाए. क्या ख्याल है? यू डू इट इन प्रैक्टिस? है इकरा जी, करते हैं? अब नींद आएगी तो क्या करना है, आपने खड़े होकर लेक्चर लेना है. ठीक है, और किसी को नींद तो नहीं आ रही? वेरी नाउ. सो रीडर का मतलब ये है कि यू नीड टू नो
द कैपेसिटी और द जेडीज ऑफ दैट पर्सन, ये क्या कर सकता है मेरे पेशेंट के लिए। तो आप लेटर में से वो चीजें सिलेक्ट करते हैं जो उसके काम की हैं। मेकिंग सेंस? पे ना। दूसरी चीज आपने देखनी होती है कि जो आपका रीडर है, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, और पेशेंट जिसको आप अब भेजने वाले हैं, इन दोनों का आपस में कोई पहले से एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप तो नहीं है। मेडिकली आपने देखना होता है, क्योंकि आप मेडिकली दोनों की पहले कोई मीटिंग हुई है, इन्होंने कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की है आपस में, समथिंग लाइक दिस। वी गुड। कल के लेटर पे आते हैं। कल का लेटर हम लिख रहे थे जेरल्ड बेकर का। हम जिस जगह पेशेंट को भेज रहे थे वो था नर्सिंग होम, और हम उसी नर्सिंग होम की किसी सीनियर नर्स को लेटर लिख रहे थे। अग्री। पेशेंट जब हमारे पास एडमिट हुआ था वो उसी ग्रे वॉल्स नर्सिंग होम का लाइक रेजिडेंट है, और वो 4 ईयर से वहां पे रह रहे हैं, और केस से नजर ही आ रहा था कि पेशेंट का कोई फॉल, कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो इट्स लाइक इलेक्टिव काइंड ऑफ केस। सो इट मीन्स एडमिशन कराने वाले भी वही हैं जिनका हम पेशेंट को डिलीवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनका और पेशेंट का तो पहले से एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, और वो नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं पेशेंट की। इट मीन्स दे ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, इनके ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। इसलिए कल के लेटर में हमने क्या डिसाइड किया था, हमने पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री थी वो इलिमिनेट कर दी थी। एमएच का वर्ड यूज करो, मेडिकल हिस्ट्री। इसके अलावा पेशेंट की जो सोशल हिस्ट्री थी हमने वो भी इलिमिनेट कर दी थी, बिकॉज पेशेंट की क्या सोशल रिक्वायरमेंट्स है वो नर्सिंग होम को ऑलरेडी पता है, बिकॉज पेशेंट इज ऑलरेडी विद देम फॉर 4 ईयर्स टाइम। सो इट डजंट मेक सेंस कि मैं उनको वही वाली बात दोबारा बताऊं जो उनको पहले से पता है, बिकॉज दैट विल बी एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर देम, एंड दैट विल बी पीनलाइज्ड इफ यू रोट दैट इन्फॉर्मेशन इन द एग्जाम। क्योंकि जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो वो इन चीजों को नोटिस कर रहा होगा कि क्या आपने लिखते हुए या केस को स्टडी करते हुए इन बातों का ध्यान रखा था कि नहीं रखा था। वे गुड। सो आपने बार बार देखना होता है कि पूरे केस के अंदर रीडर का पेशेंट के साथ कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या नहीं। अगर तो है तो जो नॉन इन्फॉर्मेशन होती है वो आप स्किप कर देते हैं और उसके बाद वाली इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, और अगर उनका रिलेशनशिप नहीं था फिर हम ये देखते हैं कि मेरे पेशेंट का जो मेन प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जितनी बातें वो मुझे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। जैसे अगला बुलेट यही है, हम देखते हैं कि पेशेंट का मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर हम रेफर या ट्रांसफर लेटर की बात करें तो उसमें तो पेशेंट ऑलरेडी प्रॉब्लम में होता है। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं डिस्चार्ज लेटर की, तो हम इसको सेंस में ले लेते हैं कि पेशेंट किस प्रॉब्लम से रिकवर हो रहा है या हो चुका होगा, उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है। अगर है और ये पेशेंट को नहीं जानते फिर मुझे वो वाली इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, जिसको हम काइंड ऑफ ऑनसेट्स वगैरह बोलते हैं या प्रीवियस मैनेजमेंट्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अगर तो वो पेशेंट को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो फिर उनको बताना पड़ेगा ये प्रॉब्लम कब से चल रही थी, हमने क्या मैनेजमेंट की और प्रीवियसली क्या मैनेजमेंट्स होती रही। और अगर इनका पहले से रिलेशनशिप है ऑटोमेटिकली ये वाली सारी डिटेल्स माइनस हो जाती है। अब यहाँ पर हम दो चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड वाली डिटेल की बात कर रहे हैं, सारी डिटेल्स की नहीं। पेशेंट का फर्स्ट करें, कल था उसकी हिप रिप्लेसमेंट हमने की थी, ठीक है, उसकी हिप से रिलेटेड कोई भी प्रीवियस मैनेजमेंट्स अगर हमने की हो, और हम किसी ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल को लेटर लिख रहे हैं जो कि पेशेंट को फर्स्ट टाइम रिसीव करेगा, इसका मतलब वो हमें फिर बताना पड़ेगा कि पहले हम क्या क्या मैनेजमेंट्स करते रहे। ठीक है, और अगर उसकी कोई प्रीवियस सर्जरीज हैं सेम साइट की तो फिर वो भी शायद बतानी पड़ेंगी हमें कि पहले भी ये सर्जरीज हुई हैं और इसी एरिया के ऊपर हमने अब दोबारा काम किया। ठीक है, या हमने लेफ्ट साइड उसकी रिप्लेस की थी, अगर उसकी राइट साइड भी रिप्लेस्ड है तो फिर हमें शायद वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है डायरेक्टली रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कभी कभी पेशेंट की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी कोमॉर्ब्स होती हैं, मगर वो आपकी करंट प्रॉब्लम के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रही होती, मगर वो जो कोमॉर्ब्स हैं वो कंटिन्यूस मैनेजमेंट में होती हैं। कोमॉर्ब्स लिख रहा हूँ, CM। जैसे पेशेंट हाइपरटेंसिव है, मैंने उसकी हिप रिप्लेस कर दी है, अब मैं किसी ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल को लेटर लिख रहा हूँ जो कि पेशेंट को नहीं जानता। अब हाइपरटेंशन की मेडिसिन तो हमने स्टॉप ही ना करनी है, चाहे मैंने हिप रिप्लेस किया, सारा कुछ हो गया, मेन मैनेजमेंट मुझे हिप रिप्लेसमेंट की ही चाहिए, मगर मैं उनके साथ ये भी बताऊंगा कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है और ये इसकी मेडिकेशंस, क्योंकि उनको वो भी साथ फिर उसको मैनेज करवानी पड़ेगी। मेकिंग सेंस? तो एक्चुअली सारे बुलेट्स कनेक्टेड होते हैं कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो बहुत सारी डिटेल्स माइनस हो जाती हैं,
अगर रिलेशनशिप नहीं था तो पेशेंट की करंट प्रॉब्लम से रिलेटेड वो तो डिटेल्स डालनी ही डालनी है, मगर अगर कोई कॉम ऑब्स हैं जो कि कंटिन्यूस मैनेजमेंट में, फिर कई बार वो भी ऐड करनी पड़ जाती है अननोन लोगों के लिए जो पेशेंट को फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हो, सो दैट पेशेंट की मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कंटिन्यू रहे। मेकिंग सेंस? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसमें ये दोनों बुलेट्स कवर्ड है, तो आपने वो वाली इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है रीडर को जिससे वो पेशेंट की केयर को कंटिन्यू कर सके। करंट इश्यू की तो करनी करनी है, कई बार दूसरी चीजों को भी फिर साथ आपको मैनेज करना पड़ जाता है। और अगर कोई ऐसी बात आप लिख रहे हैं जो कि पेशेंट की केयर को मैनेज करने में कोई हेल्प नहीं करेगी मेडिकल प्रोफेशनल को, वो वाली डिटेल्स आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी इफेक्ट। ठीक है, जनरल से दो तीन सीधे सीधे सवाल आमतौर पे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं। नॉर्मली आई बिलीव कि जब आपके पास पेशेंट आता है, अडल्ट पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, क्योंकि आपको तो पेशेंट से मतलब है, क्या ख्याल है? बहुत ज्यादा जरूरी मैंने कहा, ठीक है, जनरली शायद आपको पता हो तो वो और चीजों में हेल्प करते हैं, मगर उस पेशेंट को मेडिकली मैनेज करने के लिए डू यू रियली नीड के वो मैरिड है कि सिंगल है, क्या ख्याल है? यहाँ आपको जानना बड़ा जरूरी कि ये क्या काम करता है। कुछ सिनेरियोस में शायद उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई चीज निकल आए, आप पूछ लेंगे। कई बार हो सकता है आप पेशेंट को मैनेज करके घर भी भेज दें, तो आपको ये भी ना पता हो कि वो करता क्या है। गुड, सो होता क्या है, जब आप किसी पेशेंट को मैनेज करते हैं तो जो चीज नहायत जरूरी होती है वो आप ऐड करते हैं, जो नहीं होती ऑब्वियसली वो आप बॉदर भी नहीं करते पूछने के लिए, क्योंकि वो पेशेंट की केयर को कंटिन्यू करने के लिए हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करती। मेकिंग सेंस? यहां तक सब मेरे साथ हैं? राइट, एज पर द ओईटी वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लेटर्स, रेफरल, ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज। ठीक है, आज हमने डिस्चार्ज की एक सेकेंड टाइप करनी है, ठीक है, उसकी सीरीज में हम अपनी डेफिनेशंस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डिस्चार्ज की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा ये था कि पेशेंट को जब आप शिफ्ट करते हैं है वो परमानेंट शिफ्ट, और डिस्चार्ज वही पेशेंट होगा जो एडमिट हुआ होगा, तो इन पेशेंट को आउट करने लगेंगे। यहाँ तक एग्री? यस सर। फेयर इनफ। जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो बेसिकली यू वांट के अब ये पेशेंट हमारे पास वापस ना आए। बेसिकली डिस्चार्ज में होता ये कि आप पेशेंट की समरी बना के उसको देते हैं, बाकी पेशेंट का फाइल रिकॉर्ड स्टोर रूम में चला जाता है और वो पेशेंट क्लोज हो जाता है, ऐसे ही होता है आपके पास, ठीक है, ताकि बाद में अगर कभी पेशेंट आता है तो फिर उसका रिकॉर्ड निकाल के आप दोबारा से देखते हैं कि जब पहले आया था तो क्या क्या रीजन, फिर हमने क्या क्या किया, सारी डिटेल्स। और कई बार अगर पेशेंट डिमांड करे तो आप उनके रिकॉर्ड की कॉपीज भी शायद उनको दे देते हैं, सो दैट दे हैव द फाइल विद देम एज वेल। सो बेसिकली डिस्चार्ज का मतलब ये है कि यू आर परमानेंटली सेंडिंग द पेशेंट। गुड, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं साथ, मैं कहूँ जी मैं अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा हूँ और साथ रेफर कर रहा हूँ, अब फिर हम रेफर को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं फिर हम दोनों को इकट्ठा करते हैं। रेफर का मतलब ये होता है, ओईटी के लिहाज से बात कर रहा हूँ, वैसे जनरली भी आप ऐसे ही लेके चलते हैं उसको। रेफर मींस टेम्पररी शिफ्ट, मींस आप अपना पेशेंट किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को हैंड ओवर करने लगे, बट यू वांट दैट मेडिकल प्रोफेशनल टू हैंडल और डील माय पेशेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कभी कभी वो टाइम स्पेसिफाइड होता है, मोस्टली वो टाइम अनस्पेसिफाइड होता है, क्योंकि हम पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंडेंट होते हैं। हम उनसे कहते हैं जी मेरे पेशेंट का ध्यान रखें जब तक ये कंडीशन ठीक ना हो जाए, तो वो जब वो कंडीशन ठीक हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो फिर ध्यान रखने की तो जरूरत नहीं रहती, फिर होता है क्या है कि वो सर्विस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अब हॉस्पिटल के पास ये अथॉरिटी है कि वो पेशेंट को डिस्चार्ज करके वापस वहां ना भेजे जहां से वो आया। हॉस्पिटल अगर डिसाइड करते कि मैंने पेशेंट को अभी कहीं और भेजना है मगर मैंने अपने पास भी नहीं रखना, तो यहाँ पे एक सिचुएशन अराइज होती है। ठीक है, एक जनरल से एग्जांपल लेते हैं आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जेरल्ड बेकर का केस दोबारा लेते हैं, ठीक है, कल हमने केस पढ़ा था, सबको याद है ना केस? ठीक, हो गया। पेशेंट आया, उसकी हिप रिप्लेस करनी थी, आपने उसकी हिप रिप्लेस कर दी, ठीक है, और अब हम जेरल्ड बेकर को डिस्चार्ज करने वाले हैं क्योंकि ओवरऑल उसकी प्रोग्रेस ठीक है, 3-4 दिन गुजर गए हैं, सारे उसके मार्कर्स नॉर्मल आ गए हैं और अब वो थोड़ा सा मोबाइल भी हो गया विद द हेल्प ऑफ अ विली वॉकर। द थिंग इज दिस, आई कैन नॉट कीप दैट पेशेंट विद मी,
बिकॉज उसको फुल रिकवर होने में मंथ्स लग सकते हैं पूरी नॉर्मल रूटीन में आने के लिए. सो आई वॉन्ट टू सेंड द पेशेंट होम, बट मसला ये है कि वो जो नर्सिंग होम जहाँ पे पेशेंट ने जाना है, मे बी वहाँ पर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी, क्योंकि मैंने उसको ट्रीट किया है, जो शायद वो फैसिलिटीज नर्सिंग होम प्रोवाइड नहीं कर सकता. जनरल केयर वो कर सकता है मगर कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं दे सकता. अब बीइंग अ हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट मैंने किया है, पेशेंट मेरा है, मुझे डाउट है कि पेशेंट का ऑपरेशन लाइक खराब ना हो जाए, डिटोरिएट ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए. हमने इतना अच्छा पेशेंट को मैनेज किया है, आगे थोड़ा सा मिस मैनेज हो गया पेशेंट तो प्रॉब्लम हो जाएगी. आई वॉन्ट टू इंश्योर. अब वहां पे हॉस्पिटल एक सिचुएशन में आ गए, मैं पेशेंट को रख नहीं सकता, जहां से आया था उनके पास भी नहीं भेज सकता. अब मैं पेशेंट को कहाँ भेजूँ कि वो ऐसी पोजिशन में आ जाए कि जब नर्सिंग होम वापस जाए तो वो वेल टू डू हो, कोई मसला ना हो उसको, और वो रिलैप्स ना हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो. देन इट मीन्स फॉर सम टाइम आई वॉन्ट समबडी टू टेक केयर माई पेशेंट. सेंस बन गई. इन दैट केस हॉस्पिटल एक डिस्चार्ज रेफरल लेटर लिखता, वो नर्सिंग होम को पेशेंट वापस भी नहीं देगा, वो पेशेंट को डिस्चार्ज करेगा और वक्ती तौर पे किसी के हवाले पेशेंट कर देगा, और उनसे एक स्पेसिफिक डिमांड करेगा कि आपने कुछ अरसे के लिए पेशेंट को ये सर्विसेज देनी है. क्या सर्विसेज देनी है वो हॉस्पिटल खुद प्लान में लिख के बताएगा. जब वो सर्विसेज पूरी हो जाएंगी या पेशेंट उस कंडीशन में आ जाएगा जिसपे मैं चाहता हूँ, फिर ऑटोमेटिकली वो पेशेंट नर्सिंग होम वापस चला जाएगा. मेक सेंस? अगर इसको हम घर की एग्जाम्पल से ले तो मेरे ख्याल से ज्यादा आपको समझ आएगी. अगेन जेरल बेकर का केस लेते हैं, हम नर्सिंग होम के लिए सिर्फ होम कर देते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो घर में रहता है या अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है, ठीक है. मैंने इसकी हिप रिप्लेस कर दी है, मैं पेशेंट को 4 दिन बाद डिस्चार्ज करने लगा, मगर पेशेंट को फिजियो करवाना है मैंने. घर वाले लाइक इस लेवल पे नहीं है या वो मेडिकली ट्रेंड नहीं है कि वो फिजियो कर सके, और चांसेस ये हैं कि अगर वो करेंगे तो गलत एंगल्स पे ना करा दें, तो अभी तो ज्वाइंट फिट किया हमने तो गड़बड़ ना हो जाएगी, ठीक है. एडियल सही तरह ना करें तो प्रॉब्लम हो सकती है. आई एम कंसर्न्ड, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना मे बी सेंड माई पेशेंट टू फिजियो, और मे बी आई एम गोना सेल टेल फिजियो दैट प्लीज गो टू माई पेशेंट्स होम एंड डू द फिजियो. और घर वालों को इंस्ट्रक्शन दो, तड़ी मेहरबानी तुसे नहीं करना, फिजियो विल कम, ही विल डू इट, यू जस्ट मेक श्योर फिजियो कम्स रेगुलरली एंड पेशेंट कम्प्लाइज टू द फिजियो ट्रीटमेंट. क्या ख्याल है? हो सकता है आप भी ऐसे केसेस डील करते हो जिसमें घर वाले कई बार नहीं पढ़े लिखे होते हैं या चीज़ों को नहीं समझते, या आपको डाउट होता है कि ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, आप फिर उनको इंस्ट्रक्शन भी नहीं देते, आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढते हैं जो उनका रिलेटिव होता है जो कि बात को समझे या उनको समझा सके. क्या ख्याल है, कभी किया ऐसा? यहाँ पे एक्चुअली हॉस्पिटल उस सिचुएशन में आ गए, तो हॉस्पिटल क्या कह रहा है, डिस्चार्ज रेफरल लिख रहा है. आई बिलीव कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब मैं पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे करता हूँ. अब ये जो लेटर की टाइप है ये बेसिकली डिस्चार्ज रेफरल बनता है. अब इसमें होता ये है कि मैं पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा हूँ, रीडर को मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरा काम खत्म हो गया, माई जॉब इज डन, आई एम डन विद द पेशेंट एंड पेशेंट इज ऑलरेडी रिकवरिंग. और मैं रीडर को ये कहता हूँ कि सर काइंडली आपकी तरफ मैं पेशेंट को रेफर कर रहा हूँ फॉर सम टाइम भी, इस कंडीशन के अंदर आपने इसको फर्दर ट्रीटमेंट देनी है, और जब ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो आप पेशेंट को रिलीज कर दें, ओके कर दें. तो ये जो फिजियो होगा या जो भी हम सर्विस लेना चाह रहे हैं उनके लिए पेशेंट अननोन होगा, क्योंकि वो पेशेंट को पहले से नहीं जानते होंगे, क्योंकि पेशेंट का हम उस शख्स के हैंडओवर करने लगे जो पेशेंट को नहीं जानता. ओईटी के लेटर्स में बाय डिफॉल्ट वो रेफर तभी ऐड करते हैं जब अननोन केस बन रहा होता है. तो अभी आपके लिए टिप आ रही है, अगर आपके लेटर में रेफर का वर्ड आ गया है ना, तो समझ जाए जो भी आपका रीडर है ना वो पेशेंट को पहले कभी नहीं मिला होगा, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही, क्योंकि रेफर की डेफिनेशन उन्होंने यही लिखी है, टू इंट्रोड्यूस अ पेशेंट, ये ओईटी वाले ने खुद लिखी हुई है, ठीक है. कभी आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, यू कैन फाइंड इट देयर एज वेल. व्हेन आई से आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ पेशेंट, दैट्स डन दैट दैट पर्सन डज नॉट नो द पेशेंट. सो ये आपके लिए बाय डिफॉल्ट एक वर्ड है, अगर आपके लेटर में लिखा है ना रेफर कर दें, समझ जाएं कि पेशेंट फर्स्ट टाइम मीट हो रहा है. और अगर वो डिस्चार्ज लेटर है और मैं रेफर कर रहा हूँ, तो समझ जाएं कि आपने अपनी जॉब पूरी कर दी है, आप पेशेंट को रिलीज कर रहे हैं, और जिसके आप पेशेंट हैंड ओवर कर रहे हैं वो पेशेंट को नहीं जानता,
और उसने सिर्फ थोड़े अरसे के लिए कोई ना कोई सर्विस देनी, बाकी केस में ऐसा ही लिखा होगा सारा कुछ कि सर्विस दें पेशेंट। यहाँ तक मेरे साथ ठीक है All right, this is the letter we're gonna do today. हम इस लेटर को आज वैसे करेंगे जैसे हम एग्जाम में हमें करना चाहिए, ठीक है? और अभी हम जितनी एक्टिविटी करेंगे वो काइंड ऑफ वो वाली एक्टिविटी जो फर्स्ट 5 मिनट्स की एक्टिविटी, कि आप लेटर को पढ़ रहे हैं साथ साथ उसको क्रैक कर रहे हैं और फिर साथ साथ लिखते जा रहे हैं। मैं बीच में आपको लिखवाऊंगा अभी, मगर है कि मेनली जो सारी सिलेक्शन की एक्टिविटी वो हम आज मेरा फोकस है लेक्चर का, सो दैट यू नो हाउ टू सिलेक्ट द नोट्स। एजम्पशन ये है कि आप जब एग्जाम में जा रहे हैं आपको ये फॉर्मूला आता है एस बार का, ठीक है? लेट मी ओपन दैट फॉर्मूला। अब आपको ये पता है कि एज पर द एस बार द फर्स्ट पैराग्राफ यू नीड टू राइट इज द सिचुएशन पैराग्राफ, और सिचुएशन पैराग्राफ में तीन चीजें हैं जो आपने लिखनी है, जिसमें लेटर टाइप है, पेशेंट की मेन प्रॉब्लम या प्रॉब्लम्स, और आपने जिसको लेटर लिख रहे हैं उनसे आप क्या करवाना चाहते हैं, बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट क्या है उनसे, व्हाट इज द रिक्वेस्ट, फेयर इनफ। हम सबसे पहले जाके सिचुएशन के पैराग्राफ की चीजें ढूंढेंगे। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो सिचुएशन का पैराग्राफ है वो आपकी टोन सेट करेगा लेटर की। एक तो लेटर की टाइप डिफाइन करती है कि इसमें किस तरह का कॉन्टेंट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यहीं से आपको पता लग जाता है कि पेशेंट नोन केस है कि अननोन केस है, क्योंकि अगर रेफर का वर्ड आ गया वो तो डेफिनेटली कंफर्म हो जाएगा कि इट्स एन अननोन केस, और अगर उसमें रेफर का वर्ड नहीं है खाली डिस्चार्ज या कोई और वर्ड आ रहा है तो देन वी हैव टू सी कि लेटर किस टाइप में फॉल कर रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक हमने उसके नोट्स देखने होते हैं। दूसरा, पेशेंट की मेन प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, क्योंकि आपका लेटर ओवरऑल उस करंट प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है या करंट इशू जो भी है जिसको हम डील कर रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं या हो चुके हैं उसकी फर्दर मैनेजमेंट करवाना चाह रहे हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वट इज एक्चुअली करेंटली हैपनिंग विद माई पेशेंट। और तीसरी चीज है रिक्वेस्ट, एक्चुअली जिसको भी मैंने लेटर लिखना है मैंने करवाना क्या है उनसे, उनको लिखने का पर्पज क्या है, मैंने ये तो बता दिया ये पेशेंट है ये इसका मसला है, तो देन वॉट आगे क्या, वेरी गुड। यहाँ से जब हमें पता लग जाएगा एक जनरल आइडिया, फिर उसकी डिटेलिंग हम पूरे लेटर में से निकाल सकेंगे। सो दैट्स द टिप एंड द क्लू। सबसे पहले आपने लेटर की तीन चीजें फाइनल करनी होती है, फिर आपने बाकी लेटर को क्रैक करना। अब इन तीन चीजों को फाइनल करने के लिए व्हेन यू हैव द लेटर इन हैंड लाइक दिस, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्ट्रेट अवे गो टू द राइटिंग टास्क इटसेल्फ। नाउ राइटिंग टास्क में आमतौर पे लेटर की टाइप लिखी होती है, कैन यू रीड एंड टेल मी व्हाट इज द लेटर टाइप? ठीक है, नाउ इन द क्वेश्चन इट डजंट सेज डिस्चार्ज, इट्स जस्ट सेज रेफरल, ठीक है? फर्स्ट करें हमें यहाँ से ये तो पता लग गया कि ये रेफरल लेटर है, और वो हमें कह रहा है कि जी यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस नोट्स राइट अ लेटर ऑफ रेफरल। किसको लिखना है? मिस रॉबर्ट्स को। कौन है ये? होम नर्स। अब होम नर्स से हम हो गए कंफ्यूज, नर्सिंग होम कि कौन सा होम। आगे बढ़े, आगे का लिखा हुआ है इन्फॉर्मिंग हर ऑफ द पेशेंट्स सिचुएशन एंड रिक्वेस्टिंग अप्रोप्रिएट केयर। चले ये तो समझ आ गया कि पेशेंट की हालत बतानी है, वो डेफिनेटली आपसे करंट हिस्ट्री मांग रहा है, सारी करंट डिटेल्स लिखा हुआ है, और वो ये भी मांग रहा है कि आपकी एक्चुअली डिमांड क्या है मिस रॉबर्ट से, ठीक है? और आगे लिखा हुआ है एड्रेस द लेटर टू मिस नीटा रॉबर्ट्स। आगे का लिखा है, अब मुझे बताएं इसको पढ़ के ये वाली बात क्लियर हुई कि अभी भी कंफ्यूज है हम? इन होम नर्सिंग सर्विस कौन सी हुई? एक्जेक्टली, जो पेशेंट के घर पे आके पेशेंट को चेक करेगी। हम एक्चुअली किसी ऐसे डिपार्टमेंट को लिखने लगे लेटर जो कि होम सर्विस देता है, ये वो वाला होम नहीं जहाँ पे पेशेंट को एडमिट करवाते, वो नर्सिंग होम होता है, वो लिखते ही ऐसे ही जिसपे लिखा होगा ना इन होम नर्सिंग सर्विस, इट मीन्स दैट्स द रिवर्स थिंग ऑफ दैट वन। गुड, तो हमें होम नर्स से क्लियर हो गया कि अब ये एक्चुअली उसका टाइटल होम नर्स है, बट शी इज दैट होम नर्स विच गोज टू द पेशेंट्स हाउस एंड डू द चेकिंग। गुड, ओके। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे रेफर की तो हमें समझ आ गई, अब ऑब्वियसली होम नर्स ही तो पेशेंट को नहीं जानती,
तो मुझे इसको अभी की और कुछ पुरानी बातें भी बतानी पड़ेंगी सो दैट शी हैज एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द पेशेंट। ठीक हो गया। अब ये तो समझ आ गई कि ये पेशेंट रेफर हो रहा है, मगर अभी पेशेंट कहाँ पे है वो आपने क्या करना होता है, जस्ट राइटिंग टास्क के ऊपर जो आपका लास्ट हेडर होता है, आपका लास्ट हेडर ये वाला है, ठीक है, डिस्चार्ज प्लान। नाउ सेकंड डे, जिस भी लेटर के अंदर डिस्चार्ज प्लान या डिस्चार्ज डेट गिवन है, एक चीज तो कंफर्म है कि वो डिस्चार्ज लेटर है, उसमें पेशेंट को हमने डिस्चार्ज करना है, वो कहीं ना कहीं एडमिट हुआ होगा, ये कोई ना कोई फैसिलिटी है, गुड। बाकी लेटर पढ़ेंगे तो डिटेल्स निकल आएंगे। अब हमें पता है कि डिस्चार्ज के अंदर टाइप्स हैं, इसकी सीरीज है, पेशेंट डिस्चार्ज होकर हर दफा घर नहीं जाता या जहां से आया तो वहां नहीं जाता, कहीं और भी जा सकता। अब हमें यहाँ से पता लगे कि एक्चुअली पेशेंट जा तो अपने घर ही रहे, मगर उसका मेडिकल हैंडओवर हम उसके जीपी को नहीं दे रहे, उसके लोकल के सेंटर को नहीं दे रहे, हम एक ऐसी नर्स को दे रहे हैं जो कि एक टेम्प्रेरी सर्विस देती है, पेशेंट के घर पे जाके उसको चेक करेगी, और ये सर्विस सिर्फ तब तक दी जाती है जब तक पेशेंट की कंडीशन या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ही पेशेंट ठीक हो जाता है ये सर्विस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि किसी भी पेशेंट के लिए सारी जिंदगी के लिए हॉस्पिटल एक नर्स को डेडिकेट नहीं करेगा कि आपने रोज जाने इसको घर पे जाके देखना, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फिर वो कोई और डिसीजन लेते हैं, वो हम कल देखेंगे वो कौन सा लेटर बनता है, मेक सेंस। इसका मतलब है कि मुझे यहीं से पता लग गया, और अगर आप ये लास्ट वाला बुलेट पढ़े यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है, रेफर टू इन होम नर्सिंग सर्विस असिस्ट विद शावरिंग एंड यून, तो एक्चुअली आप एक स्पेशल नर्स मीन्स एक प्रोफेशनल बंदे को बुला रहे हैं ताकि वो पेशेंट को घर पे सपोर्ट करे, कुछ मेडिकेशंस करनी है और कुछ एडीएल्स करनी है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है, शी नोज हाउ टू हैंडल द पेशेंट इन सर्टेन सिचुएशन, मेक सेंस। अब हॉस्पिटल बेसिकली यहाँ पे चांस नहीं ले रहा था, वो अपने पास रख नहीं सकता था पेशेंट को, घर वालों के हवाले कर नहीं सकता था, तो उसने एक मिडल पर्सन बीच में डाल दिया टाइम बीइंग के लिए, और क्योंकि जीपी तो अपने क्लिनिक पे बैठता है, वो तो पेशेंट जाएगा तो जीपी जरूर देखेगा, अब आप जीपी को नहीं कह सकते पेशेंट के घर पे जाके चेक करें, घर पे जाके चेक करना है तो वो अदर डिपार्टमेंट है, वो टीम ही और है, नर्सिस भी और हैं, डॉक्टर्स भी और हैं जो कि जाते हैं और पेशेंट को घर पे चेक करके आते हैं, जैसे हमारी ये 112 की सर्विसेज हैं, ये एक अलग टीम है, आप जब हॉस्पिटल जाते ये तो नहीं कहते चलो आज तुम गड्डी से ड्यूटी दो, जितने कॉल आएगा उतने चले जाना, ठीक है ना, वो अलग क्रू है, वो आते हैं वो उसी में बैठते हैं उसी में ड्यूटी करते हैं, आप अपना क्रू है, आप फिक्स्ड हैं, अपने डिपार्टमेंट्स में जाते हैं ड्यूटी करते हैं, दैट्स इट, वेरी गुड। इट मींस टीम डिवाइडेड होती हैं और वो डेडिकेटेड होती हैं अपने अपने काम के अंदर, रोज उन्होंने वहीं पे आके ड्यूटी करनी है, सो आई थिंक दैट्स मेकिंग सेंस टू यू नाउ, फेयर इनफ, ठीक हो गया। ले जी हमारे लेटर की टाइप निकल आई है, इट्स अ डिस्चार्ज रेफरल, क्लियर हो गया, लेटर की टाइप आमतौर पे एंड वाले पोर्शन से निकल आती है। अब मुझे ये बताएं पढ़ के कि इसमें एक्चुअली जब मैं पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहा हूँ इस टाइम पे पेशेंट का इशू क्या है, ये तो डिमांड होगी ना आपकी, इशू क्या है, एक्सक्यूज मी सर, उसका राइट टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, ठीक है, बेसिकली पेशेंट का शोल्डर रिप्लेस्ड है, ऑस्टियोथराइटिस तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि उसको तो डील कर दिया उन्होंने, वो तो कॉज था शोल्डर रिप्लेसमेंट का, तो उसी को तो मैनेज किया आपने, शोल्डर रिप्लेस कर दिया, अब इस वक्त वो बात होगी, ये सेकेंडरी, मेन चीज है पेशेंट का शोल्डर रिप्लेस्ड है, ये हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि एग्जैक्टली पेशेंट का डायग्नोसिस क्लियरली लिखा हुआ है लेटर के अंदर, ठीक है, एडमिशन डेट पे या एडमिशन डायग्नोसिस था राइट शोल्डर ऑस्टियोआर्थराइटिस, और उन्होंने ऑपरेट भी यही किया, टोटल शोल्डर रिप्लेस किया, और अब उन्होंने पेशेंट को आगे फर्दर मैनेजमेंट के लिए भिजवाना है, मेकिंग सेंस। ले जी इसका लाइन के सिचुएशन के पैराग्राफ का दूसरा जो बुलेट था, पेशेंट्स का प्रॉब्लम या इशू, वो मैं समझ आ गया, इस वक्त ये नहीं है कि इसका ऑपरेशन कोई डिस्टर्ब हो गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कॉम्प्लिकेशन है, नहीं, वो सारा लेटर में लिखा कि क्लियर है, आपको बेसिकली ये बताना है कि पेशेंट इज ओके, उसकी शोल्डर रिप्लेस हुई है, लेटर टाइप है डिस्चार्ज रेफरल, और बेसिकली आपने जो भी रिक्वेस्ट सारी मुझे बता दी वो ये है कि यार इसकी शोल्डर की मैनेजमेंट करवा दो ताकि वो जरा रूटीन लाइफ में नॉर्मल हो जाए, जब वो ओके हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सर्विस खत्म हो जाएगी,
मेकिंग सेंस? यस। इसका मतलब है कि जब मैं रिक्वेस्ट लिखूंगा तो मेरे पास जो प्लान है वो तो बड़ा लंबा चौड़ा है, ये तो बहुत ज्यादा डिटेल। और सिचुएशन के पैराग्राफ में कल हमने डिस्कस किया था कि यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ एंड लाइक वन लाइन में आपने बात करनी होती है, तो मैं इन सारी बातों को क्या लिखूंगा? व्हाट कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स? पेशेंट नीड्स फर्दर या कंटिन्यूस मैनेजमेंट एंड केयर, ये एक जनरल फ्रेज है जिसमें सारा कुछ ही कवर हो रहा है, जिसमें ADLs, फिजियो, मेडिसिन सारा कुछ ही है। जब हम इस पैराग्राफ की डिटेलिंग में जाएंगे रिकमेंडेशन से, वहां पे हम बताएंगे कि हमारी फर्दर मैनेजमेंट से मतलब क्या था, क्या क्या करना है मेरे पेशेंट के लिए, वहां पे हम उसको डिटेल में एक प्लान दे दें। आप बात समझ आई? जो आपका पहला पैराग्राफ है वो एक्चुअली पूरे लेटर की टोन को सेट कर देता है, वो आपको वहीं से बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी और इसकी डिटेलिंग कहाँ पे जाएगी। That is why situation paragraph has to be very crisp and to the point, no extra detailing. क्योंकि detailing के लिए specific paragraphs already हैं। हाँ जी, we good? Yes. Situation की हमारी letter type कैसे निकली? हमने अपनी patient की problem कैसे निकाली? और मैंने request में क्या लिखना? Situation के paragraph. Clear हो गया सबको? Yes. Fair enough. अब यहाँ पर एक concept है वो आपको देने, ठीक है? I'm gonna make a diagram. Small diagram and I want you to just follow the diagram. Okay, basically what we are doing is we have decided it's a discharge referral letter. SEH. Yes, basically discharge referral को लेके आपके दो main further situations बनती हैं इसी letter की, ठीक है? क्या? एक तो है कि पेशेंट को घर पे सर्विस दें, होम सर्विस, उसके लिए मैं HS का वर्ड यूज कर रहा हूँ, होम सर्विस, और मैं एरो उल्टा बना रहा हूँ कि पेशेंट के घर पे जाके सर्विस दें। आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं आप उससे कहेंगे सो एंड सो इज द पेशेंट, दैट्स द प्रॉब्लम एंड प्लीज गो टू पेशेंट्स होम एंड प्रोवाइड दिस सर्विस टू द पेशेंट, ठीक है? इसमें हम जिस नर्स से हेल्प लेना चाह रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है, मिस नीता रॉबिन्स, ठीक है? कई बार क्या होता है हम जिस नर्स को लेटर लिखते हैं उसका नाम नहीं हमें पता होता, हम एक्चुअली डिपार्टमेंट में लेटर लिखते हैं, उस लेटर में आमतौर पे क्या होता है, इसमें कह लें कि इसमें आगे दो फर्दर कैटेगरीज आ गई, इसमें नेम मेंशनड है, मैं एन लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मेन नेम मेंशनड नहीं है। उसमें वो कहते हैं जी राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट नर्स। डिस्ट्रिक्ट नर्स का मतलब ये है कि वो अपने इलाके को मैनेज कर रही है, हॉस्पिटल्स की ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन होती हैं, इलाके का हॉस्पिटल इलाके के डिस्ट्रिक्ट नर्स को लेटर लिखता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरा पेशेंट है, ये इसका एड्रेस है, ये इसके सारे इश्यूज हैं, काइंडली जो भी नर्स इस वक्त अवेलेबल है या जिसको भी आप राउट कर सकते हैं आप इस पेशेंट के लिए एलोकेट कर दें फॉर सर्टेन सर्विसेज। वो डिस्ट्रिक्ट नर्स वही है जो एक तरह हेड नर्स का काम कर रही है, वो एलोकेट करती कौन सी नर्स किसके घर जाएगी। मेक सेंस? तो अगर मैं यहाँ पे मिस नीता रॉबर्ट्स की जगह लिख दूं डिस्ट्रिक्ट नर्स और आगे लिख दो इन होम नर्सिंग सर्विस, तो बात तो सेम की सेम रहेगी। तो वहां पे हम क्या कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट नर्स को, कह रहे हैं जो भी अवेलेबल नर्स है जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकती है इस एरिया में है आप उसको एलोकेट कर दो। गुड। अब एक सिचुएशन और है, ये तो थी कि ये होम सर्विस की दो फर्दर सिचुएशन, ठीक है? अब होम सर्विस हम बाहर आ जाते हैं, बाकी सिनेरियो वही है, पेशेंट को डिस्चार्ज किया है, मैं पेशेंट को घर वालों के हवाले या उसकी कम्युनिटी नर्स के हवाले नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ स्पेशल सर्विस चाहिए, पेशेंट को मैंने रिकवर करवाना सो दैट पेशेंट रिकवर हो, स्पेशल सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ बार बार। जो आपका GP है या आपकी जो कम्युनिटी नर्स है वो आमतौर पर जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कई बार पेशेंट इस कंडीशन में होता है कि पेशेंट खुद से जा सकता है, ही कैन गो टू विजिट सम प्लेस। मैं क्या करता हूँ, मैं पेशेंट को हॉस्पिटल में एडवाइस करता हूँ कि आपने फॉलो अप्स के लिए फिलहाल GP के पास नहीं जाना, आपने सो एंड सो प्लेस पे जाना फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? वो जो एरिया होता है वो बेसिकली स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है, मैं ST का वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स कौन से हो सकते हैं? आमतौर पर वो फिजियो डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिजियोथेरेपी का एक सेंटर बना हुआ है। हम पेशेंट को घर भेज देते हैं मगर उसे कहते हैं फिजियो आपने घर पे नहीं करनी, मैं आपके घर नहीं किसी को भेज सकता, मगर आप क्योंकि मोबाइल आप जा सकते हैं, You should go to the physiotherapy department
टू टाइम्स इन अ वीक, थ्री टाइम्स इन अ वीक एंड गो एंड टेक द सेशंस। और उस डिपार्टमेंट को आप पहले ही पेशेंट की फाइल भेज चुके होते हैं, वो हॉस्पिटल खुद ही भेज देते हैं फाइल जब पेशेंट जाते हैं, ऑलरेडी इसकी अपॉइंटमेंट हुई होती है। अब स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में इनकी रेंज है, तीन चार रेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पर फिजियो डिपार्टमेंट में भेजते हैं, अगर यंग मदर का केस हो तो फिर वो मेटर्निटी एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर वाले डिपार्टमेंट में भेजते हैं। आमतौर पर कभी कभी पेशेंट साइकेट्रिक केसेस होते हैं तो वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट से पेशेंट की अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं, ठीक है। कभी कभी पेशेंट एसटीडी के साथ आते हैं तो वो उनकी सेक्सुअल क्लिनिक्स के अंदर अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं ताकि वो वहाँ पर जाके प्रॉपर चेकअप्स हो और उसके बाद उनको ट्रीट किया जाए। या इसी तरह आपके कुछ और स्पेसिफिक डिजीज हैं जैसे एचआईवी के सेंटर्स हैं तो वो फिर उन सेंटर्स में उनको रेफर कर देते हैं। फिर वो जनरल मैनेजमेंट तो जीपी कर रहा होता है अपने तौर पे, मगर वो रेफर्ड होते हैं किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जहाँ पर पेशेंट खुद जाता है, अपना अपॉइंटमेंट के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट या सेशन लेता है एंड देन पेशेंट इज बैक। जब वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो सर्विस तो खत्म हो जाएगी क्योंकि वो स्पेसिफिक सर्विस है। मेकिंग सेंस? इसका मतलब है कि जब भी आपको डिस्चार्ज रेफर आएगा ना तो आपको दो मेन सिचुएशंस आ सकती हैं, या तो पेशेंट के घर पे किसी को भेज रहे होंगे या पेशेंट को कह रहे होंगे आपने जाना जीपी के पास, नहीं किसी स्पेशल डिपार्टमेंट में। मेक सेंस? स्पेशल डिपार्टमेंट में कौन कौन से, मैंने आपको तीन चार बता दी, और भी आ सकते हैं। और अगर होम सर्विस है तो आप डायरेक्टली नर्स को भी लेटर लिख सकते हैं या आप डिस्ट्रिक्ट नर्स को भी लेटर लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट दे विल नेवर से गो टू द जीपी, दे विल मेंशन कि आप इस डिपार्टमेंट में जाकर फॉलो अप लें या इस सेंटर में जाकर फॉलो अप लें, क्योंकि इसमें होम सर्विस नहीं लिखा हुआ। अगर होम सर्विस नहीं है तो डेफिनेटली फिर आप नहीं जाना, अगर आपके घर पे क्यों आ रहा है तो लिखा होगा होम सर्विस आपकी। मेक सेंस? हाँ जी, वी गुड ऑन दिस सिनेरियो? वेरी नाइस। All right, if you go back to the question with me, कुछ चीजें आपको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। कोशिश वो करनी है जो एग्जामिनर पढ़ना चाहता है ना उसको वो लिख के दे। आपने जितने सारे उन्हें लिखे सारे ठीक है, ठीक है। अभी आपने पूछा जी एट होम लिखना जरूरी है, होम विजिट लिख सकते हैं, या मैं आई एम राइटिंग टू डिस्चार्ज लिखता हूँ और हु इज रेफर टू एट होम सर्विस, वो सब ठीक है, मगर हम इसको फाइन ट्यून कर लेते हैं, ठीक है। लेटर के अंदर वो क्लियरली आपको मेंशन कर रहे हैं राइट अ रेफरल लेटर। इसका मतलब है कि एक्चुअली एग्जामिनर की आपसे डिमांड है कि आप ना मुझे ये वाला लेटर लिख के दें, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि एक्चुअली ये डिस्चार्ज रेफरल है, ठीक है। सेंस तो यही हो रही कि पहले डिस्चार्ज होगा तो रेफर होगा ना, इट्स मेकिंग सेंस। मगर वो यहाँ पर भी तो लिख सकता था राइट अ डिस्चार्ज रेफरल लेटर, उसने तो नहीं, मैं लिख के दिया, मगर टाइप को यही दे रहे हैं हम, ठीक है। हम एग्जामिनर को वैसे लिख के देंगे जैसा एग्जामिनर पढ़ना चाहता है, गुड। दूसरा, हमने रीडर के लिए कोशिश करना है कि उसको जितनी क्लैरिटी के साथ लिख सके उसको उतना क्लियर लिखें, गुड। इवन दो वी आर राइटिंग अ लेटर टू द होम नर्स, इट्स अंडरस्टूड कि उसका काम ही है कि घर पे जाके देखना, मगर कई बार कुछ और चीजें भी एड अप होती हैं, तो आप रीडर के लिए क्लैरिटी रखें। अगेन रिमेंबर दैट यू आर राइटिंग अ लेटर सो दैट एनी पर्सन, कोई भी इस लेटर को पढ़े ना, उसको पढ़ते साथ पता लग जाए कि एक्चुअली इस लेटर में क्या लिखा होगा। मेरा ये मानना है आप अपना लेटर लिख के ना किसी भी नॉन मेडिकल को कहा करें इसको पढ़ो, आपके घर में दोस्त में इधर उधर सारे लोग हैं, अगर वो बंदा कहता है मुझे लेटर पढ़ के समझ आ गई क्या लिखा है, समझ आए कि आपने कमाल लेटर लिख दी। मेडिकल टू मेडिकल तो सबको समझ आ जाएगा, एक नॉन मेडिकल को समझ आ रहा है तो उस लेटर में क्लैरिटी हाई लेवल की होगी। मेकिंग सेंस? ये चीज जेन में रखा करें कि रीडर के लिए क्लियर लिखना है, इतना क्लियर कि कोई बच्चा पढ़े तो भी कि मुझे पता लग रहा है इस लेटर में क्या लिखा है। That's the criteria you need to achieve. अब हम यहाँ से जंप करेंगे उसके ऊपर, अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, सॉरी आंसर के ऊपर जो मैंने लिखा है आपको दिखाया अभी। ओके, फिक्स स्ट्रक्चर से ले लेता हूँ। मिस नीटा रॉबर्ट्स होम नर्स, उसका टाइटल है इन होम नर्सिंग सर्विस 79 बीच साइड स्ट्रीट बेबी, सारा एड्रेस आ गया। 15 जुलाई लेटर में डेट ऑलरेडी लिखी हुई है, 15 को अपने डिस्चार्ज करना है और उसी दिन आप लेटर भी लिख रहे हैं, तो इसलिए डेट वो आ गई। फॉर्मल स्टाइल में लिखी है, उसके बाद आपने ग्रीटिंग लिखी है डियर मिस रॉबर्ट्स। आरी लाइन में मैंने एक चीज ऐड की है,
और वो एडिशन ये है कि पेशेंट के नाम के अलावा मैंने उसके एड्रेस मेंशन किया है। आमतौर पे जब भी आपको होम सर्विस का लेटर आएगा ना, उसमें वो जानबूझ के एड्रेस ऐड करते हैं डिलिबरेटली, बिकॉज दैट इज अ प्राइम इंफॉर्मेशन, यू नीड टू ऐड दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर एड्रेस गिवन है पेशेंट का और वो होम सर्विस का पेशेंट है, तो आप एड्रेस उसको फिक्स स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने किया, नाम के साथ ब्रैकेट लगा के एड्रेस लिखा। गुड, अगर आपने एड्रेस यहाँ ना लिखा तो डेफिनेटली आपको ये एड्रेस लेटर के अंदर सोशल डिटेल्स में डालना पड़ेगा, होम नर्स को बताना पड़ेगा पेशेंट कहाँ रहता है। मेकिंग सेंस? यहाँ पे आपके वर्ड्स सेव हो जाएंगे, यहीं पे बता दें। अब आपने एड्रेस भी बता दिया, पेशेंट की DOB भी दे दी, एक्चुअली पेशेंट सब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, सब्जेक्ट कौन है, कहाँ रहता है, उसकी एज कितनी। गुड, अब आ जाते पहले पैराग्राफ के ऊपर। The first paragraph, I think, states very clearly, I am writing to refer. जो उसने क्वेश्चन में कहा आपने वैसे लिख दिया, मगर क्लैरिटी के लिए आपने उसको बताया कि ये मैं रेफर आपको आफ्टर बींग डिस्चार्ज टूडे के बाद लिख रहा हूँ, कि पेशेंट आपके पास ही आ रहा है मगर डिस्चार्ज होने के बाद। अब रीडर को ना इससे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। एक तो रीडर को अंडरस्टैंडिंग है डिस्चार्ज का मतलब है कि पेशेंट रिकवरी स्टेट में, ठीक है, किस चीज से रिकवर हो रहा है, टोटल राइट शोल्डर रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब वो रिकवरी किस तरह की है, वो रिकवरी तो सक्सेसफुल है, यही वाला वर्ड अच्छी रिकवरी को भी शो कर रहा है या रिकवरिंग वेल को भी शो कर रहा है या सक्सेसफुली, ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव वर्ड दिया है सो दैट यू हैव डिफरेंट वर्ड्स टू प्ले विद। कल जो आपको दिया था वो भी एब्सोल्युटली राइट है, ये जो आपको दिया ये भी एब्सोल्युटली राइट है, मगर है कि दोनों स्टाइल थोड़े से चेंज किए so that you have a variety of writing. बाकी मेरा ख्याल है दोनों letters के intro में कोई फर्क नहीं है, making sense? ठीक है, बाकी वैसे ही लिखे है, वहाँ पे था I am writing to update, यहाँ I am writing regarding, या I am writing to discharge, यहाँ फिर I am writing to refer, same phrase आ गया। अब मेरे letter की type भी cover है इसके अंदर, कि मैंने refer भी कर दिया, मैंने मगर discharge के बाद किया, ठीक है, पेशेंट का इशू भी बता दिया है, मगर वो इशू वो नहीं कि पेशेंट प्रॉब्लमेटिक है इस वक्त, वो इशू ये है कि पेशेंट उससे सक्सेसफुली रिकवर हो रहा है, इज हैविंग अ गुड अप्रोच, ठीक है। आपसे क्या चाहिए, मुझे चाहिए तो केयर, वो भी डिस्चार्ज के बाद, मगर चाहिए उसके घर पे, गुड, तो ये सिर्फ आपके लेटर की क्लैरिटी को क्रिएट कर, ठीक है। जैसे इसमें आपने लिखा शी नीड्स होम विजिट्स, फिर आना चाहिए था शी नीड्स होम विजिट्स फ्रॉम इन होम नर्सिंग सर्विस, फिर इसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, या अगर ऐसे भी लिखें शी नीड्स होम विजिट्स फ्रॉम यू आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज, वो भी सेंस मेक कर जाएगा, दैट्स गोना मेक सेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लेटर्स टू द स्पेसिफिक नर्स लिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नर्स को लिख रहे हो तो फिर आप ये लिखते हैं ना शी नीड्स होम विजिट्स फ्रॉम इन होम नर्सिंग सर्विस, फिर वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहना। सो ये एक्चुअली देखना होता है कि किसको लेटर लिख रहे हैं, वो कौन से वर्ड्स यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट होंगे करेंगे, बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन तो सारी सेम है, मगर उसको टू दी पॉइंट लाने के लिए थोड़ा सा इन बातों पर गौर करना है आपने, सो दैट इट फील्स लाइक यार वाकई ही ये पैराग्राफ या लाइन इस लेटर को देख के लिखी हुई है। एग्जामिनर्स को बच्चे नहीं है, उनको भी पता है स्टूडेंट तैयारी करके आया हुआ है, इसने क्रैमिंग भी की है, इसने स्टेटमेंट्स याद भी की हुई है, वो पढ़ते साथ पता लगता है कि स्टेटमेंट क्रैम्ड है कि कैसी। एग्जामिनर के सामने अगर इंप्रेशन क्रिएट करना है ना, वो लगना ऐसी चाहिए कि आपने लेटर देख के लिखा है, आपने कुछ याद नहीं किया हुआ। सो दैट इज द फाइन ट्यूनिंग यू डू इन द लेटर। वी गुड? नाउ वंस वी आर डन विद द सिचुएशन, इट्स बेटर टू मूव फॉरवर्ड। अब आपको एक टिप देने लगा हूं, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा और ऐसा करना जरूरी भी नहीं होता कि आपने सिचुएशन के बाद बैकग्राउंड को ही क्रैक करना। कई बार लेटर में कुछ पोर्शंस इतने क्लियर लिखे होते हैं, बेटर है कि उनको पहले से क्रैक कर लें, ताकि जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिसाइड करें कि ये कहाँ पे फॉल करेगी, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन होती है कि क्या आई, कुछ इन्फॉर्मेशन में हमें डाउट्स होते हैं, तो जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है उसको पहले सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रिकमेंडेशन है ये आपके लेटर के अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन है कि कहाँ पे, आप मुझे बताएंगे आपके लेटर में कहाँ पे रिकमेंडेशंस? लास्ट में है, ओके, वेयर?
आपका जो सारा डिस्चार्ज प्लान है और आपका ये जो सारा फिजियोथेरेपी this one and this one, this entire thing is your plan. ये recommendation आपकी सारी. इसका अलग है तो इसको तो फिलहाल छोड़ दें अभी. इसका अलग है तो background का party नहीं है. ये तो जब हम last paragraph जाएंगे automatically यहाँ से उठा के चीजें लिखते जाएंगे. आम तौर पे आपके almost सारे letters के अंदर including the discharge plan is always at the end and it is very easy to identify. प्लान लिखते हुए मुझे बहुत कम है कि कभी किसी कैंडिडेट ने आके कहा कि प्लान कहाँ पर लिखा, हमें समझ नहीं आई है. क्योंकि रिकमेंडेशंस प्लान एक ही चीज़ है, वो एंड पे लिखा होता है, वो आइडेंटिफाई भी हो जाता है. गुड. इसके लिए कि इसको हम छोड़ देते हैं. अब हम लेटर को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं. अब आपके पास यहाँ पर एक हेडर है नर्सिंग मैनेजमेंट, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. ओके. उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड. अगर आप जरा मेडिकल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड को पढ़ें तो ये बिल्कुल वैसे ही डिटेल दिया है जैसे कल जेरल्ड बेकर के लेटर में थी. 11 को पेशेंट को ऑपरेट किया, 15 को आप डिस्चार्ज कर रहे हैं. फर्क क्या है दोनों लेटर्स के अंदर? जेरल्ड के लेटर में 3 सितंबर को पेशेंट का एडमिशन था और 7 को डिस्चार्ज था. उसमें ऑपरेशन डेट नहीं गिवन थी. इसमें उन्होंने ऑपरेशन डेट दे दी है, एडमिशन डेट उड़ा दी है. अगर ये इलेक्टिव केस है बिल्कुल कल वाला, ना कोई फॉल का जिक्र है, ना कोई एक्सीडेंट का जिक्र है और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो बिल्कुल वही वाला केस बन रहा है. नजर ही आ रहा है कि इलेक्टिव केस है, ये लिस्ट पे था पेशेंट, अब उसकी बारी आ गई. एक दिन पहले एडमिशन हुआ होगा, अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मगर लेटर में नहीं लिखा हुआ. इसका मतलब कि आप उसी स्टेटमेंट को जो मैंने कल दी थी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये पहला जुमला पहले ही बन जाएगा. वहां पे क्या लिखा था कि एडमिशन के बाद सर्जरी हुई है, यहाँ पे लिखा होगा कि इस दिन सर्जरी हुई है. बस इतना से चेंज करेंगे, आपकी स्टेटमेंट तो वहीं के वहीं आ जाएगी. मेकिंग सेंस? दूसरा, हमारे पास जेरल्ड बेकर के लेटर की तरह इसमें डेज का ब्रेकअप नहीं है. 12 को क्या हुआ, 13 को क्या हुआ, 14, 15 कुछ नहीं दिया, बस 11 और 15. इसका मतलब जितनी इंफॉर्मेशन है ये इन्हीं दिनों की है. इसका मतलब मेरे पास ड्यूरिंग हॉस्पिटल की मेन डिटेल यही है. तो ड्यूरिंग हॉस्पिटल जो भी होता है वो तो बाय डिफॉल्ट करंट डिटेल्स होती हैं डिस्चार्ज लेटर में. इसका नहीं कि सारी की सारी मेरी करंट डिटेल्स और लिखा हुआ है पोस्ट ऑप, पोस्ट ऑप, तो समझ रहे हैं कि पोस्ट ऑप के बाद ही बस सारा कुछ. यहाँ तक मेरे साथ है? ठीक है. नर्सिंग मैनेजमेंट को अभी मैंने होल्ड किया, उसको छोड़ देते हैं. हमारे लेटर्स के कुछ पोर्शन बड़े क्लियर हो गए. ये मेरी करंट डिटेल है, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और प्लान वो मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक हो गया. अब आ जाते हैं हम जरा पास्ट मेडिकल डिटेल्स पे. क्योंकि ये पेशेंट रेफर हो रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे इसकी कुछ और डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी. अब हम पीछे जाते हैं, देखते हैं कि सोशल और मेडिकल में से कुछ देना है. पेशेंट का नाम, एड्रेस, DOB, ये तो सारा कुछ चला गया मेरे इंट्रो के अंदर ही, मीन्स फिक्स स्ट्रक्चर में. सोशल बैकग्राउंड पे आते हैं. पेशेंट अकेले रहता है और गार्डन उसके पास, इससे पेशेंट की मैनेजमेंट में कितना को फर्क पड़ने वाला है? नर्स को बताना कितना जरूरी है ये कि ये सीधे आसे रोज गार्डन साफ करती है, तो इसके गार्डन को तू साफ कर दें जब तक ये इसका शोल्डर ना सही हो. इसलिए इट मींस के वो कहाँ रहती है, किस घर में रहती है, कितना बड़ा घर है, इससे नर्स को क्या फर्क पड़ रहा है? उसको तो पेशेंट से कंसर्न है. That's not an important information. क्योंकि ये वाली डिटेल पेशेंट को मैनेज करने में तो कोई रोल प्ले नहीं करेगी. पेशेंट के घर पे कोई महीने में एक दफा आता सफाई करने के लिए, इससे नर्स को क्या फर्क पड़ेगा? पेशेंट विडोड है, ये इंफॉर्मेशन आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज वैसे इसका भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं है. पेशेंट के कितने बच्चे हैं, आई डोंट थिंक इट्स गोना मेक इम्पैक्ट. पेशेंट के बच्चों के कितने बच्चे हैं, पेशेंट के ग्रैंड चिल्ड्रन कितने हैं, ये कोई इंफॉर्मेशन मायने नहीं रखती. पेशेंट की डॉटर उसके साथ एक महीना रहेगी, ये स्लाइटली यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल है. किसका कि पेशेंट ऑल अलोन नहीं है, पेशेंट के साथ एटलीस्ट 1 मंथ के लिए कोई ना कोई है, तो ये डिटेल मेंशन करनी चाहिए आप. ठीक है. सोशल डिटेल में से मुझे जो लग रहा है ये डॉटर वाली बात, ये रिपीट है, नीचे भी लिखी हुई है उन्होंने. ठीक है.
और ये विडो वाली बात, अगर डॉटर वाली तो जरूर, विडो वाली अगर आप करना चाहे तो गद्दे बनना से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। वेरी गुड। इसका है कि सोशल डिटेल में सिर्फ एक ही चीज है विच वी कैन यूज। अब आ जाते हैं मेडिकल डिटेल्स। 1997 में पेशेंट का राइट ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ था। ये अभी पेशेंट को मैनेज करने के लिए कितना जरूरी है? इट्स नॉट नीडेड एट द मोमेंट। इसका कोई लिंक नहीं बन रहा इसके साथ। पेशेंट को ऑस्टियोथ्राइटिस है और उसका राइट शोल्डर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था ट्रीटमेंट को, और ये तो वैसे रिप्लेस कर दिया, ये तो किस्सा ही खत्म कर दिया आपने, ठीक है। और वैसे पेशेंट को ADLs चाहिए, उसके प्लान में वैसे लिखा हो। इसका मतलब है कि एज पर दिस मेडिकल डिटेल इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं जो कि पेशेंट की बताने वाली हो। अब अकॉर्डिंग टू लेटर हम गए हैं देखने के लिए, मगर एक्चुअली लेटर में कोई ऐसा डेटा ही नहीं है जो कि मैं उस नर्स को बताऊं उस पेशेंट की मैनेजमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसकी सोशल डिटेल में से एक ही चीज आएगी और मेडिकल में से कुछ नहीं। करंट मेडिकेशंस में वॉल्ट्रॉन वैसे ही बंद कर दिया ऑपरेशन से पहले, और कहीं पे नहीं लिखा कि उन्होंने रिकमेंस किए। जैसे कल जेरल्ड के लेटर में उन्होंने एस्पिरिन रिकमेंस की थी, वो इसलिए हमने दोबारा लिखी थी। इसका मतलब है कि पेशेंट सिर्फ और सिर्फ पेन किलर ले रहा है पैनाडिन 4, और वो अंडरस्टूड है ऑपरेट हुआ है तो पैनाडिन 4 तो ओके। इसका मतलब बस यही लिखनी है। इसके अलावा वो मेडिसिन जो उन्होंने डिस्चार्ज के साथ दी। गुड ले जी, आपकी जो बाकी की डिटेल्स हैं वो भी आ गई। आपकी करंट डिटेल्स सेपरेट हो गई, आपकी जो पास्ट मेडिकल डिटेल्स थी उसमें से कुछ भी हमने देखा कि नहीं डालना है इसमें, और सोशल डिटेल में से एक चीज जो है वो हमने ऐड कर दी। तो अब जब आप लेटर लिखेंगे इसमें है ही कुछ नहीं है, आप सोशल डिटेल्स लिखेंगे साथ ही आपकी करंट डिटेल्स साथ ही आपकी सोशल डिटेल्स आ जाएंगी। मेकिंग सेंस? अब आ जाके सिर्फ हमारा एक पोर्शन रह गया लेटर का, नर्सिंग मैनेजमेंट। बाकी हमने सारा लेटर क्रैक कर लिया। नर्सिंग मैनेजमेंट के हेडर पे आ जाते, अब वो फॉल कहाँ करेगा? इसके बुलेट्स को ध्यान से पढ़ें, दे विल हेल्प यू अ लॉट। दिस पर्टिकुलर हेडर इज kind of confusing header in the letter, और ये header आपका आता भी सिर्फ और सिर्फ discharge letter में, ठीक है, mostly। इस header के तीन versions हैं, मैं तीनों versions यहाँ पे लिखने लगा हूँ, उन तीनों versions के requirement different है। इसके ऊपर ये लिख देता हूँ, हमारा match हो जाएगा। एक आपका हेडर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेस, ये भी हेडर आता है डिस्चार्ज लेटर में, और एक आपका हेडर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल। ये आपके तीन डिफरेंट हेडर्स हैं जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, ये डिफरेंट लेटर्स में आपको आते हैं। नाउ आई बिलीव जो मैंने हेडर मिडल में लिखा है नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल, दैट्स क्वाइट क्लियर। इसके अंदर आमतौर पे ऐसे बुलेट्स आते हैं जो आप ऑलरेडी हॉस्पिटल में कर चुके होते हैं। अगर आपका ये हेडर आता है ना नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग हॉस्पिटल, यह आमतौर पर आपका करंट डिटेल्स का पार्ट बनता है। इसमें जितने बुलेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उधर फॉल कर जाते हैं, वो लिखे भी ऐसे होते हैं। जैसे वहां पर से लिखा ना मेडिकल प्रोग्रेस, तो आपने पेशेंट की फिजियो कराई है, ये किया वो किया, वो सारी मैनेजमेंट का पार्ट्स हैं। उसमें आपके डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, आपके नर्सिंग मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। कई बार वो टाइटल लगा के लदा कर देते हैं। ये तो हो गया जरा साइड पे। अब आगे दो हेडर्स, एक है खाली नर्सिंग मैनेजमेंट और एक है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेस। ये दोनों हेडर्स जो है ना, जब भी आपके पास आएंगे आपने बहुत केयरफुली इन हेडर्स के दरमियान जितने वर्ड हैं सबको ध्यान से पढ़ना, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इन दोनों हेडर्स में चीज़ें मिक्स होकर लिखी होती हैं। इनमें कुछ हेडर्स होते हैं जो कि करंट डिटेल्स का पार्ट बन जाते हैं, इनमें से कुछ हेडर्स होते हैं जो कि असेसमेंट में कभी कभी चले जाते हैं, और इन्हीं में से कुछ हेडर्स होते हैं जो कि प्लान का पार्ट बन जाते हैं, रिकमेंडेशन, जैसे आपने सभी कुछ लोगों ने बताया अभी। हम जरा इन हेडर्स पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, ठीक है। इसने दो ऑब्जर्वेशन के वर्ड्स हमें दे दिए,
एक ऑब्जर्वेशन ये लिखा है, एक ऑब्जर्वेशन ये लिखा है, और दोनों के बाद उसने एक पंक्चुएशन यूज किया है जो कि डैश है। डैश हमें पता है कि एडेड डिटेल्स के लिए होती है, जो कि ब्रैकेट्स का काम करती है। एग्री? Yes, इसका मतलब है ऑब्जर्वेशंस ब्रैकेट में लिखा है टी पी आर बी पी, ये सारे वाइटल्स है आपके, और उसके बाद फर्दर ब्रैकेट में लिखा है ऑल विद इन नॉर्मल रेंज। अब पेशेंट को देख के तो आप बता नहीं सकते, इसका मतलब आपने चेक किए होंगे, बस यहाँ पे फिगर्स मेंशन नहीं है, बाकी से लिखा है विद इन नॉर्मल रेंज, इट मींस ये चेक्ड है। ये तो हो गया काम, ये तो मेरी रिकमेंडेशंस पे तो नहीं जाएगा। अगर रिकमेंडेशंस में बताते फिर होता है कि ये चेक करें, या वो इस तरह का बुलेट बनाता। न्यूरोवैस्कुलर ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने कलर वार्म्थ मूवमेंट एंड सेंसेशन लिख दिया, मगर ये उसने नहीं लिखा कि चेक देंगे क्या है। इसका मतलब है कि मे बी इज आस्किंग अस टू डू इट, और मे बी यू नीड टू डू इट। फिर आगे लिखा है ओरल एनल्जीजिया, वो पैनाडिन फोर्टे है इसकी, वोंड केयर एंड ऑब्जर्वेशन, वो आपने नर्स को ऑलरेडी कहा है करने के लिए, कोल्ड कंप्रेस इसकी फिजियो है जो कि डेली होनी है। अब लेटर में लिखा ऑलरेडी से पिछले बुलेट में पेशेंट कंप्लायंट है फिजियोथेरेपी के साथ, इसका मतलब है कि वो शायद कोल्ड कंप्रेस भी ले रहा होगा और शायद फिजियो के साथ भी वो सारा अपना प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जो कोल्ड कंप्रेस है वो फिजियो के लिए लिखा हुआ है। इसका नाम है कि फिजियो के रिजीम के साथ अटैच्ड है, इवन तो ये पेन मैनेजमेंट का भी पार्ट है मगर ये फिजियो करता है। मेडिकली आपने पेन मैनेजमेंट एनल्जीजिया से करनी है, आप दवाई दे रहे हैं, फिजियो कोल्ड कंप्रेस कर रहे हैं, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये उसकी वो मेली मैनेजमेंट है जो आगे कंटिन्यू भी रहनी है, आगे जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है एक्चुअली आपने उसको कायरोक्राफ्ट के साथ कोल्ड कंप्रेस डेली करवाना है 4-4 घंटे का। ADL असिस्टेंस आपके प्लान में ऑलरेडी लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये जितने बुलेट्स हैं ये वाले, ये सारे प्लान का पार्ट है, क्योंकि ये तो करवाने हैं आपने। पेशेंट अभी ठीक तो नहीं हुआ, अभी तो 4 दिन हुए ऑपरेट हुए, उसको कोल्ड कंप्रेस भी चाहिए, उसको एनल्जीजिया भी चाहिए, स्टेपल्स लगे हैं अभी, सूचर्स अटैच्ड हैं, उसको वोंड मैनेजमेंट भी चाहिए। अब आपने हॉस्पिटल में 3-4 दिन ये काम किया होगा, और एक्चुअली वही वाला काम आप आगे कंटिन्यू भी करवा रहे हैं, इसीलिए ये दोनों टाइटल्स नर्सिंग मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेस और नर्सिंग मैनेजमेंट, ये ऑलमोस्ट एक ही इनके दो नाम आप कर लें। ये जब भी टाइटल आएगा रीड इट वेरी केयरफुली, इट मीन्स जो पहला वाला है ना वाइटल्स वाला वो हो चुका होगा, बाकी सारे काम करवाने, ये ऑटोमेटिकली आपका नीचे डिस्चार्ज प्लान का पार्ट बनेगा। अब अगर आप कल वाला जेरल्ड बेकर का लेटर निकाल के देखें ना, तो उसकी जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो सारी हमने प्लान के साथ अटैच करके लिखी थी कल, क्योंकि वो सारे काम आपने करवाने थे, यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आप लेटर्स करते जाएंगे आपको पढ़ के ये चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि ओके नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग मैनेजमेंट इन प्रोग्रेस आ गया, कौन सा काम हो चुका है जो कि करंट में चला जाएगा, और कौन से काम ऐसे हैं जो कि एक्चुअली आप आगे रिकमेंड कर रहे हैं। मेकिंग सेंस? अब हमारा ये वाला भी क्रैक हो गया, इट मीन्स इस बुलेट को छोड़ के बाकी सारे बुलेट प्लान का पार्ट। अब यहां से हम जंप करते हैं अपने एस बार के ऊपर, और फिर हमने इसके थोड़े से लेटर्स पे पैराग्राफ्स लिखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द एस बार, ये तो पैराग्राफ हमने लिख भी लिया, रिकमेंडेशन हमने पहले लैदा कर ली है, करंट डिटेल्स वो हैं जो ड्यूरिंग हॉस्पिटल हुआ, हमने पास्ट हिस्ट्री सारी कैंसिल कर दी क्योंकि रिलेटेड नहीं थी, सोशल में से एक बात ले ली है पेशेंट। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा ये रहेगा, अब आपने सिर्फ ये देखना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि किसी ना किसी बेस पे तो मैंने पेशेंट को डिस्चार्ज करना है। फाइनल चेक क्या दिया मैंने पेशेंट को, नाउ गो बैक टू द लेटर एंड सी दैट वन बुलेट, वो एक ही बुलेट है कहीं ना कहीं जिसकी बेस पे हम एक्चुअली पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। Now, in mostly letters, whenever you have the letters, they give you the information okay, when we are discharging the patient, what is the patient's condition, ठीक है? हमारे पास, as per this letter, clearly mentioned है कि 15 तारीख को जब आपने decide किया है कि patient को discharge करना है, plan क्या है? Plan है कि आज patient को discharge करना है और the doctor will be there, और हम साथ additional service में एक home nurse को assist करने के लिए रेफर कर रहे हैं पेशेंट को, ये सारा का सारा प्लान, ठीक है।
अब मेडिकल प्रोग्रेस की उसने एक अलहदा से डिटेल दे दी है, एज वी कैन सी हियर, वुंड की क्लीन एंड ड्राइनेस बता दी है, एनल्जीजिया कोल्ड कंप्रेस दे दिया, ब्लड्स नॉर्मल है सारे, फिजियोथेरेपी कंप्लाइंट है, सारा कुछ पेशेंट ने दे दिया, वाइटल्स उसने यहाँ पे दे दी नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये मेरी उसकी फाइनल असेसमेंट के ऊपर उन्होंने, अब इसके अंदर उसके फिगर्स मिसिंग है, मगर उसने जनरल बोल दिया कि इट्स ऑल गुड, टेम्परेचर भी ओके है, पल्स ओके है, रेस्पिरेटरी ओके है, ब्लड प्रेशर ओके है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट चली जाएगी आपकी असेसमेंट के पार्ट में, बस असेसमेंट यही लिखी है इसके अंदर कि पेशेंट वाइटली स्टेबल है और वो रेडी फॉर डिस्चार्ज, बस उसमें एक लाइन ऐड कर देंगे साथ डॉटर भी होगी, ठीक है। अब टिप ये थी, आपके लेटर्स में अगर कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं है ना कि असेसमेंट क्या बन रही है इसकी, इसकी डिटेल्स नहीं गिवन है, तो असेसमेंट बाय डिफॉल्ट होता है कि पेशेंट इज रेडी टू डिस्चार्ज, ठीक है। एक स्टेटमेंट मैम आपको लिखवा देता हूँ, वो नोट कर लें, अगर आपके लेटर्स में आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हाँ जी रेडी है, ठीक है। मैं पेशेंट का वर्ड यूज करूंगा ताकि आप कोई भी यहाँ पे पेशेंट का नाम लिख लें। पेशेंट इज वाइटली स्टेबल, या पेशेंट्स वाइटल्स आर स्टेबल, ऐसे लिख लें, पेशेंट्स वाइटल्स आर स्टेबल एंड ही स्लैश शी कर लें, ही शी इज रेडी टू बी डिस्चार्ज्ड। यहाँ पे आप शी लिखेंगे क्योंकि वाइटली स्टेबल मैंने कर दी है। अब फर्ज करें ये स्टेटमेंट मैंने गिवन आपको और आपने अब असेसमेंट की एक लाइन लिखनी है, ठीक है, उसमें आप क्या लिखेंगे। सो आप लिखेंगे ओवरऑल, ओवरऑल पेशेंट्स प्रोग्रेस इज गुड, ओवरऑल पेशेंट्स प्रोग्रेस इज गुड एंड ही स्लैश शी एंड ही शी इज रेडी टू बी discharged। अभी जो ने vitally stable वाली line लिखवाई है, vital stable है, वो इस letter में चल जाएगी। अगर आपके पास vitals given ही नहीं है या उसने लिख के नहीं दिया, आपने वो add नहीं करना, मगर अगर वो discharge है तो उसमें overall progress good ही होती है patient, वो आप लिख सकते हैं patients overall, क्योंकि उसमें आप एक general line लिख रहे हैं, आप pinpoint नहीं कर रहे किसी चीज को, वो wrong information नहीं होगी। patients overall progress is good and he or she is ready to be discharged, ठीक है। आमतौर पर उन्होंने कोई ना कोई एक छोटा सा बुलेट कहीं पर डाला था, बस वो एक लाइन आप ऐड करके इसको असेसमेंट क्लियर कर देते। हाँ जी आप मुझे बताएं, कुछ बातें समझ आई ना। एज यू कैन सी यू हैव रेड द एंटायर लेटर, इन प्लान आई स्किप्ड ऑल द इंफॉर्मेशन व्हिच वाज रिगार्डिंग द फिजियो। Now we will see what's the reason. ठीक है, let's go back to the letter again. In nursing management we have all the information. We decided ADLs and all that stuff. अब एक physio management लिखी है इसमें। अगर आप physio के सारे bullets सारा ध्यान से पढ़े, यहाँ पे exercise as per TSR protocol लिखा हुआ है, जिसमें neck की ranges हैं, elbow की, pendular की, shoulder movements हैं, chirocraft obviously उन्होंने equipment का नाम लिखा हुआ है, cold compress करना है, और उसके बाद फिजियोथेरेपी आउट पेशेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि ये वो सर्विसेज हैं जो पेशेंट ने जाके लेनी है, ये पेशेंट को घर पे नहीं मिलनी, ना किसी फिजियो ने घर पे आना, और एक्चुअली ना ही आप उस नर्स को कह रहे हैं फिजियो करने के लिए। इसका मतलब है कि आपने जो अभी मैंने शुरू में कहा था कि रीडर की कैपेसिटी क्या है, रीडर ने काम क्या करना, उसकी जेडीज क्या है, नर्स की जेडी सिर्फ ये एडीएल करवाना है, वुंड मैनेजमेंट करने और क्लिक्सन लगाना है और अपॉइंटमेंट्स का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं फिजियो के साथ वीक में दो दफा और एक दफा हाइड्रो की, वो कंप्लाई करना, ना नर्स ने लेके जाना है ना नर्स ने खुद कोई उसकी एक्टिविटी करवानी। तो इसका मतलब है ये जो सारा प्लान है ये तो फिजियो की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं लेटर फिजियो को लिखता तो मैं उसको बताता कि नेक की ये वाली एक्सरसाइज करवाने हैं, एल्बो की, पेंडुलर की, कायरोक्राफ्ट दें और ये करें और वो करें और हाइड्रोथेरेपी दें उसको,
आपने नर्स को क्या बताना है, आपने नर्स को सिर्फ ये बताना है कि मिस जी इसको स्लिंग पे ना के रखें, लिफ्टिंग से अवॉइड करवाएं, और पेशेंट की आउट पेशेंट दो दफा है, फिजियो के लिए और हाइड्रो के लिए एक दफा, और आपने इसको कम्युनिटी सेंटर ले जाना है, वहां पे इसकी करनी है, ठीक है। बाकी नर्स को आप क्या कह रही हैं, स्टेपल्स का रिमाइंडर दे दिया है कि 10 दिन बाद स्टेपल्स रिमूव होंगे, सो आपने याद रखना है। अगेन कल वाले लेटर में डेट गिवन थी, यहाँ पे उन्होंने 10 डेज पोस्ट ऑफ कर दी, तो बात तो सेम है, डेट नहीं गिवन है, आप डेट ना लिखे, आप ही लिखे कि 10 डेज पोस्ट ऑफ में आपने स्टेपल्स रिमूव करवाने हैं इसके। दूसरा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो किसको कॉल करनी है, वो दे दिया, ठीक है। बेसिकली आप नर्स से क्या डिमांड कर रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि आप उसको प्लीज ADLs करवाएं, शावरिंग एंड ऑल दैट स्टफ, और क्लिक्सिन जो है ना वो लगा, 4 दिन लगाना उसको। नर्स का काम यही है, तो इसका मतलब है कि वो फिजियो वाली बातें तो नर्स को लिखनी नहीं थी। सो दैट इज एक्चुअली हु इज द रीडर क्वेश्चन। अगर रीडर की जॉब कैपेसिटी में फॉल नहीं करता तो आप वो चीजें क्यों लिखी, मेकिंग सेंस। इसलिए एक्चुअली आपका प्लान जो था यही था, जो फिजियो मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा बुलेट्स एक भी लिखने की जरूरत नहीं। दैट्स वेयर द सिलेक्शन कम्स इन, कि आपने क्या लिखना और क्या नहीं लिखना। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आई। अब दोबारा लेटर पे एक छोटा सा रिव्यू, जो आपने भी एक सवाल किया, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने जिसका करंट हिस्ट्री का ये पैराग्राफ लिखा, करंट डिटेल्स का, दिस वन, इन दिस वन आई रोड हर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड वाज लार्जली अनइवेंटफुल, ठीक है। इसके अंदर उसके एक्सरे और बाकी की सारी चीजें एक ही लाइन में डाल दी। वुंड की मैंने बात स्पेशली की है क्योंकि मैं ADLs की बात कर रहा हूँ, उसको मैंने क्या ध्यान रखे आप इसका, तो इसलिए मैंने वुंड एंड ड्रेन साइट्स फॉर ड्राई एंड क्लीन ये मैंने सेपरेटली मेंशन किया, ठीक है, क्योंकि इसकी कंडीशंस आ रही हैं और ये सारा उसके दरमियान हुआ कि हमने वो चीज लिखी है। बाकी ब्लड्स उसके सारे नॉर्मल है, कह लें अगेन उसको बताने की कोशिश ये की कि सारा कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल के अंदर क्या क्या है कि वुंड एंड ड्रेन नॉर्मल ड्राई है, ब्लड्स नॉर्मल हैं, बाकी मैनेजमेंट मैंने ऐसे की। अगर मैं इस पैराग्राफ की ऑर्गेनाइजेशन पे बात करूं, जस्ट फॉर दिस पैराग्राफ, ठीक है, ऑपरेट हुआ, ऑपरेट के बाद पेशेंट की कंडीशन क्या है वो लिखी सारी, और फिर हमारी मैनेजमेंट क्या है, 3 मैनेजमेंट्स हैं हमारी। हमारी मैनेजमेंट एनल्जीजिया, कोल्ड कंप्रेस और फिजियोथेरेपी, इसके ऊपर पेशेंट की सारी कंडीशन है और उसके ऊपर उसकी सर्जरी है। तो वो एक एक ही पैराग्राफ में कंप्लीट पिक्चर आ गई कि सर्जरी के बाद क्या हुआ और हमने क्या किया। साथ ही आपकी असेसमेंट लिखी हुई है, वाइटली स्टेबल है, रेडी फॉर डिस्चार्ज है, एंड डॉक्टर विल स्टे फॉर 1 मंथ, ठीक है। अब ये क्योंकि इसकी सिर्फ सोशल डिटेल है, ये वैसे तो इसके ऊपर भी आ सकती थी एक लाइन यहाँ पे भी कि डॉक्टर विल स्टे, तो उसको मैंने इसके साथ जानबूझ के जोड़ दी क्योंकि वो आपके डिस्चार्ज लाइन में ऑलरेडी उन्होंने लिखी हुई थी, तो वो उन्होंने जोड़ी हुई थी तो मैंने उसके साथ ही जोड़ के उसको लिख दी, तो वहाँ पे भी वो पूरी सेट हो गई है। अगर मैं इस पर एस पर लगाऊं, सो दिस इज योर सिचुएशन, दैट्स योर बैकग्राउंड, दैट्स योर असेसमेंट, एंड दैट्स योर रिकमेंडेशन, यू गुड, यहां तक मेरे साथ है। और बैकग्राउंड के अंदर हमने सिर्फ एक ही चीज स्पीक किया, बाकी हमने छोड़ दी। हाँ जी, वी ऑल गुड, ओके। अब फॉर्मूला जो है आपका एस बार का, उस पर एक फाइनल चीज आपको बतानी है, दैट्स द लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग आप कह सकते हैं, या चेरी ऑन द टॉप। क्या मतलब हुआ इसका, चेरी ऑन द टॉप और टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो कह लें कि इस चीज को कंप्लीट करती है, ठीक है। आपने केक बना लिया, चेरी नहीं लगाई ऊपर, तो वो लगेगा सारा कुछ तैयार हो गया, वो एक छोटी सी चीज मिस हो गई है, बस वो चीज बतानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। ये मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स के फीडबैक से, जब वो मेरे पास लेटर्स अपने लेके आते हैं, आई ऑब्जर्व वन थिंग, वो मुझे कहते सर ये आपने हमें एस पर सिखा दिया है, तो इस लेटर में तो पास्ट हिस्ट्री मैंने इसलिए लिख दी थी, वो फॉर्मूले में लिखी हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉर्मूले में लिखी हुई है, मगर शायद आप अगली बात ध्यान से सुनना भूल गए, या शायद मेरे बताने में थोड़ी सी कोताही होगी। आपका जो पूरा फॉर्मूला है ये रहेगा एज इट इज,
मगर लेटर टू लेटर इसमें स्लाइट वेरिएशंस और मॉडिफिकेशंस, वो बताने लगा हूं भैया वो क्या है, वो लेटर टू लेटर वेरी करेंगे। आपको ये पूरा एस पर नजर आ रहा है, एज पर द एस बार आपने याद रखना है आपके लेटर में मिनिमम 4 पैराग्राफ जरूर बनेंगे, 4 से कम नहीं हो सकते। अगर आप एस बार पर जा रहे हैं तो एक आपका सिचुएशन का पैराग्राफ है, एक बैकग्राउंड का, एक असेसमेंट का और एक रिकमेंडेशन का। आपका जो ये सिचुएशन का पैराग्राफ है ना, ये कभी भी डिवाइड नहीं होता, इट इज ऑलवेज वन सिंगल यूनिट, ये एक ही पैराग्राफ होता है क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं होती, टू द पॉइंट और ब्रीफ होता है। आप इसको कभी भी ब्रेक नहीं करना और इसको लेंथी नहीं करना। वी गुड? ओके। जो आपका असेसमेंट का पैराग्राफ है ना, आमतौर पर अभी तक मैंने जितने भी लेटर्स लिखे हैं, जो मेरा लेटर्स को लेके एक्सपीरियंस है अभी तक, असेसमेंट में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं देते वो, चाहे रेफरल है, ट्रांसफर है, डिस्चार्ज है। असेसमेंट्स आमतौर पर ब्रीफ्स होती हैं जिसकी बेस पे आप डिसाइड करके आगे पेशेंट को मूव करवाते हैं। तो अभी तक मैंने जितने लेटर्स लिखे, मैंने कभी भी असेसमेंट को ब्रेक नहीं किया क्योंकि होती नहीं, दो चार बातें होती है, वो 3-4 लाइन में, 5 लाइन में आराम से कवर हो जाती, ठीक है। तो ऑलमोस्ट असेसमेंट का भी समझ लें एक ही पैराग्राफ। आपकी रिकमेंडेशन का पैराग्राफ जो है, रिकमेंडेशन की बात कर रहे हो, रिक्वेस्ट की नहीं। डिस्चार्ज लेटर में हमेशा रिकमेंडेशन लंबी आती हैं, कल भी मैंने इसको डिवाइड किया था, मैंने आज भी इसको डिवाइड किया, ठीक है। इसका है कि इस पैराग्राफ के अंदर डिस्चार्ज लेटर में एक्सपेक्टेड है कि पैराग्राफ लंबा होगा, आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अब डिवाइड क्यों किया, अगर आप लेटर्स को ध्यान से पढ़ें तो मैंने कल वाले लेटर में भी जो अपॉइंटमेंट्स थी वो अलग से लिख दी थी, और आज वाले लेटर में भी जो अपॉइंटमेंट्स है वो अलग से लिख दी। मींस अगर आप कल वाला और आज वाला लेटर जेरल्ड बेकर और जैस्मिन थॉमसन दोनों को इकट्ठा कर दें, तो दोनों लेटर्स में पेशेंट सर्जरी का, दोनों लेटर्स में जो फॉलोअप्स है ना, अपॉइंटमेंट्स के, स्टेपल्स कब खुलने हैं, वो वाली बात अलग की। क्यों किया, उसका सीन ये बन रहा था कि एक वो मैनेजमेंट है कि पेशेंट आपको दे दिया, आप इसको मैनेज करें, आपने जाते साथ इसकी ADLs भी करनी है, उसको क्लिप भी लगाना है, स्लिंग भी पहनानी है, वो जाते साथ ही स्टार्ट हो जाना। कोई ऐसा काम है जो आपने 10 दिन बाद करना है, वो चीज़ बीच में मिक्स ना हो जाए, उसको हाईलाइट करके सेपरेट एक पैराग्राफ बना, वो है उसका रिक्वेस्ट का या रिकमेंडेशन का पार्ट, ताकि रीडर को पता लगे कि यार ये काम अभी नहीं करना, ये 10 दिन बाद कर। और आज के लेटर में एक चीज और ऐड थी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए ड्यूरिंग दिस टाइम, स्टेपल्स के रिमूवल से पहले पहले या कोई भी, तो आपने किसको कांटेक्ट कर, उसमें वही हॉस्पिटल का उन्होंने रेफरेंस दिया। ये काम भी आपने रोज तो नहीं करना, तो जो डेली के काम मैंने चंक इकट्ठा बना दिया, और जो काम उसने करना है बाद में या पॉसिबिलिटी के ऊपर है वो अलग कर दी। सो आपने जब पैराग्राफ्स को डिवाइड करना, उसके लॉजिकल डिवीजन भी होना चाहिए। सो एंड पॉइंट इज दिस, आपका रिकमेंडेशन का पैराग्राफ सिंगल यूनिट भी हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। डिस्चार्ज में आमतौर पर हम इसको ब्रेक ही करते हैं क्योंकि डिटेल्स बहुत लंबी होती है, ठीक है। एक सॉरी टिप देने लगा हूं, आप जब पेपर पे लिखेंगे OET की राइटिंग शीट पे, अगर आपका कोई भी पैराग्राफ आधे पेज से एक्सीड कर रहा है ना, कोशिश करें कि फिर उसको ब्रेक कर लें, अदरवाइज वो बहुत लंबा एक पैराग्राफ बन जाएगा, तो उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मिक्सअप हो जाएंगी। मगर ब्रेक करते हुए ध्यान रखना है कि कहाँ पे ब्रेक लगानी, जो रिलेटेड डिटेल्स है ना वो इकट्ठी आनी चाहिए। वो दो एग्जांपल्स आपके सामने आ गई हैं आज कल कल के लेटर में, कि मैंने कहाँ से इसको ब्रेक किया, किस इन्फॉर्मेशन को लेदा लिखा, वो कंटिन्यूटी को लाइक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रही, इट्स ईजी फॉर द रीडर टू रीड, कि ये मैंने सारे काम खुद करने हैं और ये काम मैंने 10 दिन बाद करने। Making sense? So, recommendation break हो सकता है, single unit भी हो सकता है, assessment एक ही paragraph होता है और situation एक ही paragraph होता है। किसी भी letter में ये miss नहीं होंगे, assessment भी लिखनी है, recommendation भी लिखनी है, situation भी लिखनी है। अब आ जाते background paragraph के। Now this is something we need to understand very clearly. Background का जो paragraph है वो तीन चीजों को मिला के बना है, current, distant और social। अब इन दो letters की example लेंगे। जेरल्ड बेकर का लेटर जो है, जीबी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, जेरल्ड बेकर के लेटर में हमने सिर्फ उसकी ड्यूरिंग हॉस्पिटल वाली डिटेल्स डाली थी, डिस्टेंट और सोशल दोनों नहीं डाली थी जानबूझ के। रीजन नॉन केस था, रिक्वायर्ड नहीं था। इसका मतलब कि बैकग्राउंड होती जरूर है मगर उसमें तीनों चीजें लिखनी जरूरी नहीं होती, वो लेटर डिसाइड करवाते हैं हमसे। आज के लेटर में हालांकि वो रेफरेंस लेटर है, जैस्मिन थॉमसन जेपी लिख देते हैं,
जैस्मिन थॉमसन के लेटर में इवन दो इट्स अ डिस्चार्ज रेफरल हमें कुछ चीजें ऐड करनी थी इसके अंदर, मगर जब हम डेटा पे गए और जो डेटा गिवन है उसमें से हमने इसको स्टडी किया तो पेशेंट की जो डिस्टेंट हिस्ट्री थी या पास्ट हिस्ट्री थी मेडिकल की उसमें तो कोई बात रिलेटेड थी नहीं अभी की प्रॉब्लम से, और ना ही उसकी कोई कंटिन्यूस मैनेजमेंट थी किसी चीज़ की। ऑस्टियोआर्थराइटिस तब हमने पहले डील कर दिया उसका, इसलिए हमने वो उड़ा दी डिटेल। और सोशल में कोई ऐसी बात नहीं थी जो कि पेशेंट की केयर में हेल्प करती स्वयं इसके कि उसकी डॉटर उसके साथ रहेगी। इसका मतलब है कि आज के लेटर में हमने ये वाली डिटेल डाली और इसकी एक लाइन डाली, डिस्टेंट फिर निकाल दी। नाउ द थिंग इज बैकग्राउंड हर लेटर में होगा, मगर हर लेटर में ये तीनों चीजें लिखी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। किसी लेटर में सिर्फ करंट से काम चल जाएगा, किसी में करंट सोशल से काम चल जाएगा, किसी लेटर में तीनों से काम चलेगा। वो जैसे जैसे आप लेटर करेंगे वो आपसे लेटर डिसाइड करवाएगा। सो द फॉर्मूला इज दिस, बैकग्राउंड विल बी देयर बट इट्स नॉट कि वो उसके अंदर जो तीनों चीजें हैं वो हर लेटर में होंगी, ये आपने याद रखनी, वो लेटर डिसाइड करवाते हैं। आखिरी टिप, डिस्चार्ज लेटर के अंदर चाहे वो डिस्चार्ज सिंपल है या अपडेट या आपका डिस्चार्ज ट्रांसफर या डिस्चार्ज रेफरल, डिस्चार्ज लेटर में ये जो फॉर्मूला है ना 30-40 डेज की हिस्ट्री का, ये अप्लाई नहीं होता। पेशेंट जितने दिन हॉस्पिटल में रहता है वो बाय डिफॉल्ट उसकी करंट डिटेल, ये आपने याद रखना है। चाहे वो 30-40 डेज से एक्सीड भी कर जाए कोई इशू नहीं, वो आपकी करंट डिटेल ही रहेगी, बिकॉज दैट इज अ डेट डिटेल पेशेंट वॉज विद यू इन दी हॉस्पिटल। वी गुड? तो डिस्चार्ज लेटर में एडमिशन से पहले सारी पास्ट होती है, ड्यूरिंग हॉस्पिटल आपकी सारी करंट है, और उसके बाद आपकी सारी रिकमेंडेशन ही होती है। सो आई थिंक इट्स वेरी ईजी टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। जैसे लेटर की टाइप आपको क्लियर होती है आपको पहले ही पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे फॉल करने वाली है, फिर लेटर को सेग्रीगेट करना और उसको पोर्शंस में लेके आना और उसमें से चीज़ें निकाल के लिखना ईजी हो जाता है। वे गुड? सो इट मीन्स मिनिमम चार पैराग्राफ हर लेटर में होंगे, चार से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आप किसी एक ही पैराग्राफ को आप डिवाइड करते हैं। ऑलराइट जी, आई बिलीव वी आर गुड ऑन दिस वन।